हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल दवाई में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ अप कैप्सूल के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से कंपोजिशन मिलाए गए हैं, इसे किस कंडीशन में यूज़ की जाती है, इसके यूजेस से हमें क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं और इसकी क्या प्राइस होती है और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, तभी आप हेल्थ अप कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू। दोस्तों, हेल्थ अप कैप्सूल हमें 10 कैप्सूल का स्ट्रिप में मिलता है और इसके 10 कैप्सूल की प्राइस होती है 35 रुपीज़, जो कि हमें किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाती है। और हम बात करते हैं इसके बनाने वाली कंपनी की, तो इसे बनाने वाली कंपनी है, आप देख सकते हैं, यूरेका लैब्स लिमिटेड। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो दोस्तों, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है। ये हेल्थ अप कैप्सूल एक प्रकार का फाइटो मेडिसिन है, यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा तैयार किया गया मेडिसिन, या हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें मिलाया गया है दालचीनी 50 ग्राम, मंदूर भस्म 5 मिलीग्राम, सफ़ेद मूसली 5 मिलीग्राम, भुंगराज 25 मिलीग्राम, गुड़ची सत्व 25 मिलीग्राम, जातिफल 25 मिलीग्राम, अश्वगंधा 50 मिलीग्राम, सो कृपिलु 20 मिलीग्राम, सो शिलाजीत 50 मिलीग्राम, त्रिफला 75 मिलीग्राम, विधारा 25 मिलीग्राम, अकरकरा 25 मिलीग्राम, बंग भस्म 25 मिलीग्राम, कोज बीज 25 मिलीग्राम, बाला 25 मिलीग्राम। तो ये थे इसके कंपोजिशन। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहला, इसे हम यूज़ करते हैं एज ए वेट गेनर मेडिसिन के तौर पर, दूसरी भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन के तौर पर, और तीसरा पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए। तो ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इसके डोजेस की। तो डॉक्टर के सुझाव के अनुसार रोजाना एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम हमें इसे लेनी चाहिए, खाना खाने के बाद, और वो भी लगातार 3 महीने तक, तभी आप इसके इफेक्ट के बारे में जान पाएंगे। तो ये थे इसके डोजेज। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो दोस्तों, मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट्स इसमें देखा गया है, जब तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं तब तक आपको कोई साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर जब आप इसका सेवन लेना बंद कर देते हैं तब आपको नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, हाइपर एसिडिटी, इनडाइजेशन, एसेन एंड पिंपल और स्किन रेसेस हो सकता है, आपको भूख लगना बंद हो सकता है, आपका वजन बहुत तेजी से कम हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स। अब इसके प्रिकॉशन की बात करें तो इसका यूज प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए, या जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसको भी इसका सेवन या इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हाँ, इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, तभी आप इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको गंभीर से गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये जानकारी थी हेल्थ अप कैप्सूल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्थ अप कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। हमारा नारा, स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी ताकतवर बनेगी इंडिया।